हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी हस्तियां ऐसी हैं जिनकी हाइट बहुत कम है, बट वो ऐसे कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको वो फॉलो करती हैं और बहुत ही टॉलर दिखती हैं। तो आइए आप लोगों को भी मैं इन्हीं टिप्स और ट्रिक्स को बताती हूँ ताकि आप भी इनको फॉलो कर सकें। एवरीवन, वेलकम बैक टू फैशन मंत्रा विद रिया। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी चैनल फैशन मंत्रा विद रिया में। आज का ये वीडियो है उन गर्ल्स के लिए जिनकी हाइट थोड़ी सी शॉर्ट है। तो इस वीडियो में मैंने कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने की कोशिश की है जिसको वो फॉलो करके अपनी हाइट से थोड़ा सा टॉलर दिख सकती हैं और कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आपको बताए हैं 3 हैक्स जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको लगे ये आपकी फ्रेंड सर्कल में या आपके फैमिली मेंबर में कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी हाइट शॉर्ट है, ये वीडियो उसकी हेल्प कर सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो टिप नंबर 1, जैसा कि आप वीडियो में ये 2 पिक देख रहे हैं तो आपको देखने में ही फ़र्क समझ में आ रहा होगा। अगर आप इस तरह का सलवार कुर्ता बनवाना चाहते हैं तो आप कुर्ते की लेंथ जो है वो शॉर्ट रखें। इसके साथ ही आप अपने कुर्ते की जो स्लीव्स हैं उनको स्लीवलेस रखें और अपने कुर्ते का जो गला है अगर आप उसको थोड़ा सा डीप रखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा इल्यूज़न क्रिएट करता है। और अगर आपको स्लीवलेस पहनना पसंद नहीं है तो आप इस तरह का हैवी ब्रोकेट का एक कपड़ा लेके प्लेन कलर की सलवार के साथ पेयर कर सकते हैं। तो ये भी आपके हाइट के लिए एक इल्यूज़न क्रिएट करता है जिसमें आप लंबे दिखते हैं। और आपको इस तरह के डार्क शेड को यूज़ नहीं करना है। आपका अपर भी डार्क है और आपका बॉटम भी डार्क है तो ये आपकी हाइट को और कम दिखाता है, तो इसीलिए आपको इसको अवॉइड करना है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं हमारा बॉटम बियर जो है वो डार्क है और अपर बियर लाइट है, तो ये भी एक इल्यूज़न क्रिएट करता है आपको शॉर्ट दिखाने का। तो हमें हमेशा जो है लाइट शेड बॉटम बियर में यूज़ करनी है और डार्क शेड अपर बियर में। और अगर आप इस तरह का शूट बनवाना चाहते हैं तो आपको डार्क शेड को अवॉइड करना है और बॉटम बियर में जो है वो कोई भी प्रिंटेड फैब्रिक ले ना लेते हुए आपको प्लेन फैब्रिक का यूज़ करना है। और आपकी जो कुर्ते की हाइट है वो इतनी ज़्यादा ना हो के थोड़ी शॉर्ट रहेगी तो ये आपको टॉल दिखाएंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं जो बॉटम वियर है वो भी प्लेन है, अपर वियर है वो भी प्लेन है और बहुत ही लाइट कलर यूज़ किए हैं। और कुर्ते की जो हाइट है वो भी थोड़ी कम रखी है तो ये हमारी हाइट के लिए एक सही इल्यूज़न क्रिएट करती है और इसमें हम थोड़ा सा लंबे दिखते हैं। और हमें सेम कलर का अपर एंड बॉटम तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए, ये हमें बहुत ही हाइट में कम दिखाता है। और आपको टॉल के साथ साथ थोड़ा ट्रेंडी और कूल भी लगना है तो आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। अपने अपर और बॉटम के बीच में एक गैप मेंटेन कीजिए, उसके साथ ही आप कोई लॉन्ग श्रग या जैकेट कैरी कर सकते हैं तो सबसे अच्छा जो अब लुक आता है वो आपका आता है स्ट्रेट कुर्ते में। अगर आप स्ट्रेट कुर्ता लॉन्ग बनवाते हैं और उसको पैंट के साथ कैरी करते हैं और इस तरह के सिल्क के पैटर्न्स ट्राई करते हैं, सिल्क की फैब्रिक यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबे लगते हैं। और जैसा कि आप इस सूट में देख रहे हैं इन्होंने जो है अपना बॉटम वियर और दुपट्टा जो है इन्होंने लाइट शेड का लिया है और जो अपर वियर है उसको डार्क शेड में लिया है तो वो इनको बहुत ही टॉल और बहुत ही प्यारा दिखा रहा है। और आप सिंपल स्ट्रेट कुर्ती को इस तरह से स्टाइलिंग करके बहुत ही ट्रेंडी और कूल लुक अपना सकते हैं, ये आपको बहुत ही प्यारा और दूसरों से अलग दिखाता है। तो अब हमें स्ट्रेट कुर्ते में अवॉइड क्या करना है, हमें सेम कलर का अपर बॉटम और दुपट्टा नहीं रखना है। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको स्लीवलेस कुर्ती बनवानी है तो आपको बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। और जो है हमें ओपन दुपट्टा ना रखते हुए अपने दुपट्टे को या तो हम साइड से कैरी कर सकते हैं या इस तरह से हैंड्स में ले सकते हैं। इसके साथ ही हमें इस तरह के वर्टिकल पैटर्न्स जो हैं वो पहनने चाहिए क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल पैटर्न होते हैं उनमें हम और भी छोटे लगते हैं।
आप अपनी कुर्ती में इस तरह की हाई वेस्ट स्लिट जो है वो बनवा सकते हैं, जिससे आपका कुर्ता बहुत ही लंबा दिखता है और आप भी उसमें बहुत ही लंबे दिखते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं साइड स्लिट्स के साथ साथ फ्रंट स्लिट ना देकर अगर हम इसमें साइड स्लिट देते हैं तो ये हमारा कुर्ता जो है वो बहुत ही अच्छा हमको एक लुक देता है और हम इस कुर्ते में लंबे दिखते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्कर्ट्स की। इस तरह की फ्लेरी स्कर्ट और इस तरह का फ्लेरी टॉप ना पहन के अगर हम स्कर्ट की जो वेस्ट है वो हाई रखते हैं और इस तरह का वी नेक का कोई टॉप या किसी शर्ट के साथ इस तरह से पेयर करते हैं, इसी के साथ आप इस तरह का भी एक आउटफिट अपने लिए बनवा सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्लाउज़ और स्कर्ट के बीच में एक गैप रखा गया है, उसके साथ ही इसको पेयर किया गया है एक जैकेट के साथ। आप भी इस तरह की लॉन्ग जैकेट या लॉन्ग स्कर्ट के साथ इस तरह के लुक को ट्राई कर सकते हैं। और आप स्कर्ट के साथ इस तरह की स्लीवलेस कुर्ती को भी पेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने लिए इस तरह की भी ड्रेस तैयार करवा सकते हैं। इसमें आप स्लीव्स को जो है देख सकते हैं कि चूड़ीदार स्लीव्स दी गई हैं, और अगर आप चाहें तो अपने नेक को थोड़ा सा डीप करवा सकते हैं, तो इसमें आपका लुक जो है वो बहुत ही प्यारा आता है। आप इस तरह का भी पैटर्न ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं स्लीव्स को जो है फुल रखा गया है हमारे इनर वेयर में और जैकेट जो है वो स्लीवलेस दी गई है। तो आप इस तरह के अनारकली या फ्रॉक सूट में इस तरह का भी पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंट्स के बारे में। तो जब हम प्रिंटेड कपड़े कुछ ख़रीदते हैं तो हमें इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि हम बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट जो हैं उनको जो है इग्नोर करें। इसकी जगह अगर हम छोटे छोटे प्रिंट्स के या छोटे छोटे फ्लावर्स के या वर्टिकल लाइंस के कुछ प्रिंट्स लेते हैं तो ये हमें टॉलर दिखाते हैं। तो अब हम बात करते हैं साड़ीज़ की। साड़ी में हमको ये टिप्स फॉलो करनी है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी बॉर्डर की या डार्क सेट की साड़ीज़ को नहीं पहनना है, और आजकल जो बहुत ट्रेंडी है फ्रिल साड़ियाँ तो वो भी नहीं पहननी है, क्योंकि ये हमको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड और शॉर्टर दिखाती हैं। इसकी जगह पे हमें प्लेन साड़ीज़ जो हैं हल्के फुल्के कलर्स वो यूज़ करने चाहिए, और अपने ब्लाउज़ को थोड़ा सा डीप बनवाना चाहिए, और स्लीव्स जो हैं वो हमें स्लीवलेस रखनी चाहिए। और इसी तरह की टिप्स और ट्रिक्स जो है वो हमें लहंगे में भी फॉलो करनी है। हमारा जो मेन रोल होता है वो ब्लाउज़ का ही होता है, और आपको लहंगे में ये करना है कि आपका बॉर्डर जो होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर आप ब्राइड हो, आपकी शादी होने वाली है, तो आपको लहंगे में ये ध्यान रखना है कि आपका जो लहंगा है वो बहुत ज़्यादा भरा भरा हुआ, उस पर वर्क नहीं होना चाहिए, उस पर छोटे छोटे मोटिव्स हों वर्टिकल लाइन्स में, तो वो आपका बहुत ही अच्छा लुक और आपको टॉलर दिखाते हैं। और उस लहंगे में आपको अवॉइड ये करना चाहिए कि आपका जो बॉर्डर होना चाहिए लहंगे का बहुत ज़्यादा चौड़ा ना हो, ना ही आपके लहंगे का ना ही आपके दुपट्टे का। और ब्लाउज़ को भी आपको थोड़ा सा डीप बनवाना है, और उसके साथ साथ हमें ज्वेलरी का भी ध्यान रखना है। अगर हम गले में हैवी पहन रहे हैं तो हम इयररिंग्स थोड़े हल्के पहने, या फिर अगर हम इयररिंग्स हैवी पहन रहे हैं तो हमें गले में थोड़ा सा हल्का सा पहने। तो अब मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को 3 हैक जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को टॉलर दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हैक नंबर 1 कि आप अपने हेयर्स को ओपन रखने की बजाय अगर आप अपना टॉप हेयर बन बनाती हैं तो आप थोड़ी सी टॉल दिखेंगी। और अगर आप ओपन हेयर रखना चाहती हैं तो आप इस तरह के हेयर स्टाइल्स जो हैं वो फॉलो कर सकती हैं। एंड हैक नंबर 2, आप इस तरह की चूड़ीदार जीन्स ना पहन के अगर आप स्ट्रेट और हाई वेस्ट जीन्स पहनती हैं तो आप इसमें टॉल दिखती हैं। और हमारा लास्ट हैक है कि जब भी हम पिक्स क्लिक करें तो पिक को हम ऊपर से ना क्लिक करके नीचे से क्लिक करें, जिसमें हम टॉलर दिखते हैं। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है ना। हाँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ किस तरह का कंटेंट चाहिए, किस तरह के वीडियो चाहिए। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अभी करो। चलो बाय।